गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मितुसिंह 03। ये मैं कहाँ पे हूँ गाइस? मैं आई हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस यूनिवर्सिटी का जो भी इनसाइड व्यू है। और एक स्टूडेंट है, मैं उससे बात करूँगी, आप मेरा उसका एक इंटरव्यू देखेंगे एंड देन आई टेल यू फर्दर। बट अगर आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, चीज़ें कुछ हैं जो कन्फ्यूजन है, मैं वो सब चीज़ें यहाँ क्लियर करने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखनी है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू डू इट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये रहता है कि कजान एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कजान में है, दैट्स इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दो मेडिकल कॉलेजेस हैं, दोनों डिफरेंट हैं। एक है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी और एक है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोनों ही कम्प्लीटली अलग अलग जगह पे है, दोनों के हॉस्टल अलग है, दोनों की सारी चीज़ें अलग है। एक फेडरल यूनिवर्सिटी है और एक स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो प्लीज़ ये कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर लें। दोनों सेम कॉलेजेस नहीं हैं। मैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की हूँ एंड राइट नाउ मैं कजान स्टेट में आई हुई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिखाना था। फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, चलिए इनसे बातें करते हैं और इनकी यूनिवर्सिटी के बारे में खुद ही इनसे पूछते हैं। तो आप प्लीज मेरे ऑडियंस को बता सकते हो अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हाय, माय नेम इज अर्जुन गोठाकुर्ता, मैं कोलकाता से हूँ। आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड राइट नाउ वी आर इन द डीन्स बिल्डिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, सो अर्जुन, मैं जानना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी फर्स्ट ईयर में कितने इंडियन स्टूडेंट हैं अप्रॉक्स? 250 प्लस मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हैं एंड मेस वेस का क्या सीन है? इंडियन मेस अवेलेबिलिटी है या फिर सेल्फ कुकिंग करते हो या क्या क्या ऑप्शन है फूड के लिए? ऑप्शन तो मैम बहुत है बट यहाँ पे लाइक पर्टिकुलरली इंडियन मेस ऐसा कुछ नहीं है। एंड जनरली इंडियंस प्रेफर टू सेल्फ कुक बिकॉज दिस यूरोपियन स्टाइल का जो खाना है ना वो हमें उतना पसंद नहीं होता क्योंकि मसाले कम होता है, नमक कम होता है एंड लाइक कच्चा होता है थोड़ा लाइक। इनका खाना तो बहुत डिफरेंट है, लाइक पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद है। सो लाइक वी द फर्स्ट प्रेफरेंस गोस टू सेल्फ कुकिंग। अगर टाइम नहीं होता तो देयर आर पब्लिक कैंटीन्स फॉर सोलो फायर व्हिच इज वेरी मच चीपर ऑप्शन एंड खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। एंड नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कैंटीन्स, इतने सारे कैंटीन्स है, एक ही बिल्डिंग में 3-4 कैंटीन है डिफरेंट टाइप्स। कैंपस का क्या सीन है, मतलब कितना बड़ा है, क्या सीन है? कैंपस तो मैम बिल्डिंग्स एंड ऑल बहुत बड़ा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस यूनिवर्सिटी इन रशिया। सो लाइक राइट नाउ वी आर इन द डीन्स बिल्डिंग बट क्लास आपका एनाटॉमी का जब फर्स्ट ईयर में क्लास होगा देन आपका होगा एनाटॉमी हॉल में व्हिच इज अ वेरी फेमस वन। एंड जब हॉस्पिटल का क्लर्कशिप होगा फर्स्ट ईयर में then it will be in a hospital RKB. And different it's totally like spread out here entire city mein and all village side mein. Exactly. So there is nothing like a particular, ye itna bada team building hai yahan pe class hi nahi hoga, matlab yahan pe kya hai na ki cheezon ka kazan federal mein bhi even and kazan state mein bhi like har subject ka jo department hai ek uske liye proper building hai, yes, inka aisa concept hai. Okay, and
चलो ये सब चीजें तो ठीक है, व्हाट अबाउट योर स्टडीज? लाइक यू नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती होगी, रशियन में ही बात करते होंगे, तो बच्चों को प्रॉब्लम फेस होता होगा, तो उसका क्या है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग की यहाँ के जो टीचर्स है उनको हमसे ज़्यादा इंग्लिश आता है मोस्ट ऑफ देम. सो लाइक कहाँ इंडिया में इतना इंग्लिश, लाइक मो मेजोरिटी को कितना इतना अच्छा इंग्लिश होगा. सो मतलब जिनका इंग्लिश उतना अच्छा भी नहीं है वो भी यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, सीख लेते हैं. बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि टीचर का इंग्लिश अच्छा है, हमें समझ नहीं आ रहा है. ये थोड़ा फन मोमेंट हो गया. ओके, एंड व्हाट अबाउट योर एक्सपेंसेस? लाइक जिस हिसाब से फिलहाल रशिया की सिचुएशन है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे एक्सपेंसेस वगैरह, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा जा रहा है या ओके ओके है? बेसिक चीज़ एक्चुअली मैम, जैसा एक्सपेक्टेशन था ना वैसा ही हो रहा है. एंड आई विल, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन कि आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो वो आपके ऊपर है. एंड यू प्रोबेबली नो बेटर देन मी. सो लाइक आप अगर टैक्सी से जाते हो, आप अगर यहाँ पे नाइट लाइफ इतना अच्छा है, आप क्लब में जाते हो, खुद को स्पेंड करते हो, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपकी लिविंग स्टाइल, जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो कैसा है. बाहर ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, बाहर घूम फिर रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह विजिट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी. बट अगर आप एक नॉर्मल खुद से कुकिंग कर रहे हो, कैब नहीं यूज कर रहे हो, बस यूज कर रहे हो, तो इन सब चीजों से यू नो देयर इज अ वेज आप पैसे सेव कर सकते हो, तो आपके ऊपर है. अर्जुन, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको रशिया में ही क्यों आना था और आपको कजान किसने सजेस्ट किया, आप उसके बारे में मेरे ऑडियंस को बता दो. मैम, रशिया इट वाज ऑब्वियसली नॉट स्मॉल चॉइस, बहुत सर्च करना पड़ा. एंड टू योर ऑडियंस आई विल आल्सो टेल देम कि आप बहुत सारा रिसर्च करो और पूछो सबसे, खुद रिसर्च करो. एंड बहुत सारे देशों का डिग्री का बहुत सारा सीन्स एंड फैक्टर्स है, प्लीज़ प्लीज़ लुक इनटू दैट. क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जगह चीप है वहाँ पे चले जाएंगे, या फिर वो जगह पे अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा वहाँ पे चले जाएंगे, ऐसा कभी मत करना. ऑलवेज लुक फॉर द यूनिवर्सिटी एंड चेक कि आपका डिग्री इंडिया में वैलिड है, कि आप बाद में जहाँ सेटल होना चाहते हो वहाँ वैलिड है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो ये सब कंसिडर करके आई थॉट दैट रशिया विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर मी. एंड सिंस रशिया इज़ अ वेरी एरिया फ्रेंडली कंट्री, आई एम लिविंग हियर सिंस सम सेवन मंथ्स नाउ. एंड दे रियली लव इंडियंस, दे लव द पीपल, दे रियली गेट हैप्पी. एंड मेनी इंडियन आइकॉन्स आर फेमस है, लाइक मिथुन चक्रवर्ती. सो आई पिक्ड रशिया फॉर दैट रीजन. एंड कजान, आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन कजान फेडरल एंड स्टेट एंड लाइक मॉस्को पीटर्सबर्ग. सो लाइक आई केम टू योर गाइडेंस एंड यू सजेस्टेड मी एंड आई पिक द कजान स्टेट. थैंक यू मैम फॉर दैट, आई एम रियली ग्रेटफुल. एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल दैट मैंने कजान स्टेट को पिक किया. एंड आई एम रियली हैप्पी विथ माई चॉइस.